तो स्वागत है आपका एग्जाम मंत्रा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी के लिए हम 17, 18, 19, 20, 21 इतने दिनों का करंट अफेयर लाए हुए हैं। कृपया वीडियो को पूरा देख लें। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए दिए जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए नए लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने 3-4 दिन वीडियो नहीं डाला था, तो उसको मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के मैं एक ही वीडियो में इंक्लूड किया हूँ, जिसमें 3-4 दिन का टोटल करंट अफेयर दिया गया है। कृपया वीडियो पूरा देखें, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें मिल सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आप सभी देखते हैं। वो कौन सा दिया गया? वह दिया गया, पहला प्रश्न आप सभी दिया गया है कि नासा के किस मिशन द्वारा पता लगाया गया है कि शनि ग्रह के चांद टाइटन पर मिथेन की गहरी झीलें भी मौजूद हैं। तो किस पे लगाया गया दोस्तों? ये है आपका कैसिनी। ठीक है, नासा कैसिनी मिशन के द्वारा पता लगाया गया है। अगला प्रश्न उसे देख लेते हैं। वह दिया गया है, ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मर्मसर द्वारा जारी एक सूची में भारत के कितने शहरों को रहने योग्य गुणवत्ता में निकृष्ट माना गया है? तो कितने शहरों को माना गया दोस्तों? तो ये 7 शहरों को माना गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 7 शहरों को। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए। वह दिया गया है, विश्व हेमोफेलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हेमोफेलिया दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? तो ये 17 अप्रैल को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 17 अप्रैल को। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए। वह दिया गया है, भारतीय सेना ने 18 मार्च 2019 को महाराष्ट्र के औंध में कितने अफ्रीकी देशों के साथ 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास की शुरुआत की? तो कितने देशों के साथ किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा? तो ये 17 देशों के साथ किया गया, 17 अफ्रीकी देशों के साथ किया गया है। अगला प्रश्न उसी देख लीजिए। वह दिया गया है, भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र क्या नाम है जिसकी अगुवाई वाली टीम द्वारा तैयार क्यूबेसेट को नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो क्या नाम है इनका? तो ये केशव राघवन की अगुवाई में ये काम किया जा रहा है। तो इनका नाम है केशव राघवन, जिनकी अगुवाई में क्यूबस सेट को नासा द्वारा छोड़ा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न उसे देख लीजिए। वह दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो ये पहले भारतीय अध्यक्ष बनाएंगे स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति के, वह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के, तो ये बनाए गए विभु कल्याण नायक। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, विभु कल्याण नायक याद करना होगा आपको। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए। वह दिया गया है, हाल ही में किस देश ने फिर एक नए शक्तिशाली आयुधों से युक्त हथियार का परीक्षण किया है? तो किसने किया है दोस्तों? ये अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्तर कोरिया, जो अभी अमेरिका से कई साल तालमेल होने के बाद इसको किया गया है। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए। वह दिया गया है, किस देश ने दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन नाव का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया दोस्तों ये सशस्त्र उभयचर ड्रोन का, ड्रोन नाव का? तो ये किया है चीन ने। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए। वह दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर यमुना को दूषित करने वाली 46 औद्योगिक इकाइयों सहित 378 को नोटिस दिया गया है? तो किस स्थान को दिया गया दोस्तों? तो यह गुरुग्राम को दिया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी से गुरुग्राम को दिया गया है। अगला प्रश्न उसे देखते हैं। वह दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कृत्रिम 3D हृदय बनाने में सफलता प्राप्त की है? तो किस देश ने किया है दोस्तों? ये इजराइल ने सफलता पाई है 3D हृदय बनाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न उसे देख लीजिए। वह दिया गया है, ऊर्जा दस्ता ब्यूरो यानी कि BEE द्वारा किस नाम से भारत में ऊर्जा दस्ता में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज विकसित किया गया है? तो किस नाम से किया गया दोस्तों? तो यह किया गया है UNNATEE, ये इसके द्वारा किया गया है, UNATTE द्वारा, TEE द्वारा किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है इसको मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका यू से हो जाता है अनलॉकिंग, यंस हो जाता है नेशनल, और एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल, या इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न उसे देख लेते हैं। वह दिया गया है, किस दिग्गज गायिका ने फरवरी में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद
हुए सीआरपीएफ जवानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने का 16 अप्रैल 2019 को घोषणा किया। तो किसने दिया दोस्तों? तो लता मंगेशकर ने सीआरपीएफ जवानों को 1 करोड़ रुपए देने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए, वह दिया गया, गूगल ने हाल ही में अफ्रीका के किस देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा केंद्र आरंभ किया है? तो कहाँ पर किया है दोस्तों, किस देश में? अफ्रीका के, तो ये अफ्रीका के घाना में किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए, वह दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 में, यहाँ देखिए, #1Day4Children नामक एक अभियान शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी किया है? तो ये देखिए, #1Day4Children ये अभियान शुरू किया गया है, तो ये यूनिसेफ द्वारा किया गया है, ठीक है, यूनिसेफ के साथ साझेदारी किया गया है आईसीसी की, तो उसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए, वह दिया गया है, अमेरिका ने द्विपक्षीय असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में कितने परमाणु संयंत्र बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो भारत में कितने परमाणु संयंत्र बनाने के लिए सहमति बनाई गई है? तो ये बनाया गया है 6, ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 6 पे परमाणु सहमति बन चुकी है। अगला प्रश्न उसे देख लेते हैं, वह दिया गया है, हाल ही में आग लगने के कारण खबरों में रहा नाट्रे डेम कैथेड्रम कहाँ स्थित है? ये नोटे डेम कैथेड्रम जो स्थित है ये पेरिस में स्थित है। ये भी आप, भयानक आग लगी थी यहाँ पे, नोटे डेम कैथेड्रम में आप लगी थी, तो इसलिए आपको ये स्थान याद रखना होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा, पेरिस में है ये नोटे डेम कैथेड्रल, ठीक है। अगला प्रश्न है उसे देखते हैं, वह दिया गया है, खोजकर्ताओं ने हाल ही में केपलर 47 प्रणाली में कौन से ग्रह की खोज की है? तो कौन से ग्रह की खोज की है? तो ये तीसरे ग्रह की खोज की है, ठीक है, केपलर 47 प्रणाली में तीसरे ग्रह की खोज की गई है। अगला प्रश्न उसे देखते हैं, वह दिया गया है, हाल ही में किस स्थान पर रिसाइलेंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है रिसाइलेंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस का सम्मेलन? तो यह नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए, वह दिया गया है, होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण ग्रेटर नोएडा में किया गया है आयोजित, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए, वह दिया गया है, किस भारतीय महिला एक दिवसीय क्रिकेट टीम की कप्तान को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? टीम मिताली राज को गुडविल इंडिया एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए, वह दिया गया है, किस देश के चांगी एयरपोर्ट पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे इंडोर वाटरफॉल 131 मीटर ऊंचा को आम जनता के लिए खोल दिया गया है? इसकी जो ऊंचाई है वह 131 मीटर फीट है, ठीक है, 131 फीट है, जो सबसे ऊंचे इंडोर वाटरफॉल है ये कहाँ पर है? तो ये सिंगापुर में है, जिसे अभी हाल ही में खोल दिया गया है आम जनता के लिए सिंगापुर में, ठीक है। अगला प्रश्न है उसे देखते हैं, वह दिया गया है, द ओवर स्टोरी नामक उपन्यास के लिए फिक्शन श्रेणी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2019 किसने जीता? ये पुलित्जर पुरस्कार 2019 जो है वह द ओवर स्टोरी नामक उपन्यास के लिए किसे दिया गया है? तो ये रिचर्ड पावर्स को दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रिचर्ड पावर्स को पुलित्जर 2019 पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न फोकस करिए इसे देखिए, यह दिया गया है, प्रसिद्ध कंपनी सोनी द्वारा जापान में हाल ही में किस नाम से टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो जापान में सोनी द्वारा किस नाम से शुरू की गई है टैक्सी सेवा? तो यस राइट से की गई है, ये आपको सोनी यस और यस राइट से आपको ज्ञात हो जाएगा, यस राइट से नाम से बनाई गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न वह दिया गया है, भारत वियतनाम के मध्य संपन्न हुए दूसरे नौसैनिक युद्धाभ्यास में भारत के किस समुद्री जहाज को शामिल किया गया था? तो किस समुद्री जहाज को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों INS कोलकाता को, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, INS कोलकाता। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए, वह दिया गया है, RBI ने किस बैंक को निजी क्षेत्र के बंधन बैंक में सिर्फ 9.9% हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी है? तो किस बैंक को RBI ने 9.9% हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी है?
तो HDFC बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न वह दिया गया है, हाल ही में डच अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? तो किसने डच अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का खिताब जीता दोस्तों? तो ये हर्षिल दानी जो हैं उन्हें डच अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का खिताब मिला है। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए, वह दिया है, टाइम पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी की गई 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय उद्योगपति का नाम शामिल है? तो किसका नाम शामिल किया गया? तो ये मुकेश अंबानी का नाम शामिल किया गया था। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए, वो दिया गया है, दक्षिण सूडान के संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा दे रहे कुल कितने भारतीय शांति रक्षकों को उनके बलिदान एवं समर्पण के लिए पदक देकर सम्मानित किया गया है? तो कितने लोगों को दिया गया है दोस्तों? तो ये 150 लोगों को सम्मानित किया गया पदक देकर। ठीक है, अगला प्रश्न उसे देखते हैं, वह दिया गया है, भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों के कितने किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में फिर से विश्व में पहला स्थान हासिल किया है? ये तो विश्व में पहला स्थान दिया गया है बजरंग पुनिया का, तो कितने किलो वेट में? तो 65 किलोग्राम वेट में दिया गया है इन्हें। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 65 किलोग्राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।